नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज मैं ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जिसका आजकल बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है, वक्री ग्रह। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे YouTube के ऊपर कि बहुत से ऐसे वीडियोज आ रहे हैं कि चार ग्रह वक्री हो रहे हैं, तीन ग्रह वक्री हो रहे हैं, इन राशियों पर ये प्रभाव पड़ेगा, इन पर ये प्रभाव पड़ने वाला है, ये उथल पुथल मचने वाली है, मतलब इस तरीके के वीडियोस बहुत आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पे एक वीडियो बना दी जाए और इसका सच आप लोगों को बता दिया जाए कि असल में जो वक्री ग्रह होते हैं वो मतलब कि होते किस मतलब किस प्रकार से होते हैं, कि हमें मालूम चले कि वक्री चल वक्री हैं। दरअसल होता यह है कि वो कोई भी ग्रह जो है कि वक्री नहीं होता, सिर्फ राहु और केतु को छोड़ के, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर राहु और केतु हमेशा से उल्टे चलते हैं, हमेशा वक्री होते हैं। और एक सूर्य और चंद्र को जो है कि बोला गया कि वो वक्री नहीं होते हैं, सीधी ही चाल में चलते हैं, बाकी सब ग्रह वक्री होते हैं। असल में होता क्या है कि सूर्य और चंद्रमा इसलिए नहीं कि वो पृथ्वी के चक्कर काट रहा होता है, तो इसलिए उसका उसको मतलब कि दिखने में वो सीधा ही दिखता है हमें। और जो वक्री ग्रह होते हैं उनका होता क्या है कि कई बार तो क्या होता है कि जो हमारे अंदर वाले ग्रह हैं, अंदर वाले में सूर्य और जो पृथ्वी के बीच में जो दो ग्रह हमारे शुक्र और बुध, वो पृथ्वी से तेज चलते हैं। तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है जो दायरा है वो जो सूर्य के आसपास, और हमारा जो पृथ्वी का दायरा बड़ा है और सूर्य का दायरा छोटा है। मैं यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए समझाने के लिए, जो कि इसके अंदर क्या है, ये सूर्य है और इसके बाद में एक दायरा ये बुध का हो गया, ये शुक्र का हो गया, इसका ये पृथ्वी है हमारी, ये अर्थ है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर जो है कि मैंने ये जो है कि जो हमारी राशियां हैं बहुत दूर होती हैं, जो कि काफी दूर होती है, उनके दायरे जैसे सूर्य से चली और काफी दूर ऐसे बढ़ती चली गई। तो यहां पर मैंने ड्रॉ कर रखे, जैसे ये कैप्रिकॉन है यानी कि मकर राशि, कुंभ, मीन, फिर मेष, फिर ये ऋषभ और फिर मिथुन। तो इस तरीके से जो हमने ये ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पर ये अपना विर्गो, यहाँ लिब्रा, स्कॉर्पियन, सजिटेरियस, जिसके सामने जो सी राशि आती है सेवंथ हाउस में, वो ऐसे ड्रॉ कर रखी है। जैसे यहाँ टॉरस है, टॉरस के सामने यहाँ पर स्कॉर्पियो है, तो ये इस तरीके से है। अब इसके अंदर जब ये घूमते हैं, जो हमारे जो पृथ्वी भी घूमती है, आप सबको मालूम है 365 दिन के अंदर वो जो है कि सूर्य का पूरा चक्कर लगा के वापस यहाँ आ जाती है, पृथ्वी भी घूमती है, सूर्य वहीं रहता है, लेकिन जो सूर्य हमें नजर आता है घूमता हुआ, वो क्यों आता है कि जैसे अभी जो है कि सूर्य जो हमारा जो है कि एरिस के अंदर है, ये एरिस का दायरा यहां से यहां तक है, तो जब हम यहां से पृथ्वी से देखेंगे सूर्य हमें कहां नजर आएगा, एरिस के अंदर। तो पृथ्वी जब यहां से चलती हुई इधर आएगी तो ये टॉरस के अंदर नजर आएगा सूर्य हमें। मान लीजिए पृथ्वी यहां आई, ये अर्थ है, जब अर्थ यहां पर पहुंचेगी तो ये जो हमारा सूर्य टॉरस के अंदर आ जाएगा, ये टॉरस की जो यहां तक है टॉरस है ये, तो यहां के अंदर जो है ये टॉरस के अंदर नजर आएगा। तो इस तरीके जब पृथ्वी जब यहां पर पहुंचेगी तो जब यहां से जब देखिए दिखाई देगी जो सूर्य है वो ऐसे दिखाई देगा कि जो जर्मनी के अंदर है। तो इस तरीके से पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती रहेगी और सूर्य जो है कि राशियां बदलता रहेगा। तो इस तरीके से नजर आया कि सूर्य चल रहा है हमारी जो कुंडली के अंदर, जब सूर्य चलता हो जाता है कि अब मेष राशि के अंदर है, वृषभ राशि के अंदर है, तो पृथ्वी घूम रही होती है इसके आसपास। अब होता क्या है कि जो अभी जो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा वक्री ग्रह होने वाले हैं, जैसे अभी शुक्र है, यह भी जो अभी टॉरस के अंदर है, शुक्र भी वक्री होने वाला है। होना क्या है कि शुक्र यहां से बहुत तेजी से चल रहा है और पृथ्वी ने यहां से यहां पहुंचना है, एक महीना लगेगा पृथ्वी को जो है कि यहाँ पर जब अभी टॉरस के अंदर जैसे ही घुसेगी उसके बाद एक महीने से टॉरस से बाहर निकलने में लगेगा, क्योंकि सूर्य को टॉरस के अंदर से जर्मनी में जाने के लिए एक महीना लगेगा, तो इसको यहां से यहां तक पहुंचने में एक महीना लगेगा हमारी पृथ्वी को। और इतनी देर के अंदर जो कि हमारा जो ये शुक्र है, ये जो वीनस, ये यहां से जो है कि ऐसे चक्री काट के ऐसे घूमेगा, और ऐसे घूम के जब ऐसा जाएगा जो हमारी पृथ्वी यहां से इधर चलेगी, तो ये जो मतलब कि यहां से जब चलेगी ना पृथ्वी हमारी, तो ये ऐसे महसूस होगा टॉरस में कि जो कि हमारा वीनस ना, ऐसे महसूस होगा कि हमारा टॉरस के अंदर ही है, क्योंकि जब तक पृथ्वी यहां जाएगी ये बहुत तेज चलता है, ये चलता हुआ यहां आ जाएगा,
फिर ये टॉरस में नजर आना शुरू हो जाएगा, यहां तक फिर बढ़ना शुरू होगा टॉरस से, फिर पृथ्वी इधर चलेगी, जब पृथ्वी इधर मिथुन की तरफ आ जाएगी तब ये जाके यहां पर बढ़ेगा वीनस मिथुन के अंदर। चलना इसलिए सीधा ही होता है, हर ग्रह सीधा चलता है, उल्टा कोई भी ग्रह नहीं चलता, वक्री कोई भी नहीं होता, वो हमें महसूस होता है कि उल्टा चल रहा है। तो इस तरीके से जब ये यहां से वापस चलेगा ऐसे, तो हमें महसूस होगा कि वो टॉरस के अंदर वापस जा रहा है, तो ये इधर से इधर चलेगा, तो ऐसे लगेगा जैसे कि ये टॉरस के अंदर वापस जा रहा है। हमें जो यहां से देखने के अंदर, जो हम पृथ्वी से टेलीस्कोप से देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि वो हमें टॉरस वाली रेंज के अंदर वापस जा रहा है। उसके बाद दूसरे मिथुन की तरफ चलेगा, जब हमारा पृथ्वी इधर हो जाएगी तो वहां से वो मिथुन की तरफ चलता हुआ नजर आएगा हमें। तो इस तरीके से जो है कि जो अंदर वाले ग्रह हैं वो पृथ्वी से तेज चलते हैं, तो उसका दायरा भी छोटा है और पृथ्वी का दायरा उससे बड़ा है, तो वो उतना एरिया कवर करती है कि काफी देर बाद। और जब भी कोई ग्रह जो वक्री होता है तो सूर्य के मतलब पृथ्वी के बिल्कुल पास आके ज्यादा वक्री होते हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है जैसे कि पृथ्वी पे ना बहुत ज्यादा प्रभाव होता है उसमें। इसीलिए बोला गया है कि जो वक्री ग्रह होते हैं वो बलवान हो जाते हैं। बलवान इसलिए हो जाते हैं कि उनका जो इंपैक्ट होता है जो पृथ्वी के ऊपर जो है वो ज्यादा पड़ता है, एक वो उस राशि के अंदर बहुत ज्यादा देर तक ठहरते हैं। क्योंकि जब अगर सीधा चलते हुए चले जाएंगे, मान लीजिए कि यहां से मैं बता रहा हूँ टॉरस के अंदर ही रहने वाला है, तो उसका इंपैक्ट जो है टॉरस के अंदर ही जो है हमारे जो पृथ्वी के ऊपर होते जो यहाँ से इंपैक्ट जो सूरज से होते हुए जाएगा वो तो जो है कि टॉरस पे रहेगा, जो वीनस के अंदर से जो इंपैक्ट पड़ेगा वो भी टॉरस का ही पड़ेगा जो वहां का जो एटमोसफेयर उसके पीछे है, तो इसलिए जो है कि उसका इंपैक्ट जो है कि वहां पर ज्यादा पड़ने वाला है पृथ्वी के ऊपर। इसीलिए बोला जाता है कि वो ग्रह बहुत ज्यादा बलवान होता है, पृथ्वी के बहुत करीब आ जाता है। इसी तरीके से जब हमारा अभी जो वीनस के बारे में बताया, अब यहां पर मान लीजिए हमारे जो है कि शनिदेव है, ये सैटर्न है, और यहां पर ये हमारे जुपिटर। अब ये दो ग्रह भी वक्री होने वाले हैं। अब होना क्या है कि जब ये यहां से हमें जो है कि हमें नजर आ रहे हैं ये पृथ्वी से, सेम कंडीशन वही है यहां से हमारे पृथ्वी से जो है ये हमें कैप्रिकॉर्न में नजर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे ये पृथ्वी, अब यहां पर उल्टी कहानी है, यहां वीनस तेज चल रहा था अब पृथ्वी इनसे तेज चलती है। ये जो है कि 2.5 साल में इतना एरिया पार करना है शनि ने, और जो जुपिटर है जुपिटर ने 1 साल के अंदर ये इतना एरिया पार करना है, जब तक तो पूरा चेंज कर देना है। यहां पर ये 2 या 3 डिग्री इन्होंने बढ़ना है आगे, और जो कि पृथ्वी ने आगे पूरा एक यहां तक पहुंच जाना है। तो जब पृथ्वी यहां से यहां चलेगी तो जो भले ही आगे बढ़ रहे हो लेकिन हमें हमारी पृथ्वी इतनी तेजी से बढ़ेगी कि हमें ऐसे लगेगा जैसे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी यहां आ जाएगी। अब यहां तक जब पृथ्वी यहां आएगी और ये ऐसे नजर आने शुरू जाएंगे पीछे, क्योंकि जो दूर वाले ग्रह है वो ज्यादा लंबे टाइम तक जो कि वक्री रहते हैं, क्योंकि वो धीरे चल रहे होते हैं हमसे, क्योंकि पृथ्वी जब यहां पहुंच जाएगी यहां पहुंच जाएगी यहां पहुंच जाएगी, जब तक वो वक्री चल रहे होंगे ऐसे लगेगा यहां से कि जैसे जब फिर जब यहां पहुंचेगी तब वो हमें ऐसे लगेगा कि अब जब इधर सामने कि अब ऐसा चल रहे हो, तो इसलिए वो ज्यादा देर तक जो है कि वक्री रहते हैं। लेकिन चल वो भी सीधे ही रहे होते हैं, लेकिन उससे तेज हमारी पृथ्वी चल रही होती है तो पृथ्वी आगे बढ़ती चली जाती है, तो वो हमें उसकी रेंज में कैप्रिकॉन वाली रेंज में नजर आते हैं। और जैसे यहां पर जो है कि इधर से आगे बढ़ेगी ऐसे लगेगा जैसे यहां पर इधर वापिस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत धीरे चल रहे हैं और ये तेजी से बढ़ रही होगी आगे पृथ्वी, तो वो हमें पीछे जाते जाते मतलब मान लीजिए कि एक कार है बहुत तेजी से आगे जा रही है और ये दो कार है धीरे चल रही है, और एक कार बहुत स्पीड से चल रही है तो दूसरी कार पीछे जाती हुई नजर आती है। आप कभी भी कार के अंदर बैठो और उसको तेज चलाओगे तो साइड वाली चीजें पीछे जाती हुई नजर आती है, चल वो भी रही होती है लेकिन वो पीछे जाती हुई नजर आती है, तो सेम कंडीशन यही है। तो वो चीजें जो है कि आपको ये चीज देखनी है कि वो पृथ्वी के करीब हो जाती है इसीलिए जो है वो वक्री नजर आती है, नहीं तो जो है कि वो चलती सीधी ही है सारी, कोई भी ग्रह वक्री नहीं होता, उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है कि वो पृथ्वी के पास होती हैं इसलिए, और ज्यादा देर तक वो उसी एक ही राशि के अंदर होती हैं, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि भाई वो जो कि वो उसका जो जो शक्ति है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल पास है तो इंपैक्ट पास में पड़ता है, वो पृथ्वी के पास आ चुकी होती हैं वो जो ग्रह होते हैं, तो उनका जो है कि असर पृथ्वी पर ज्यादा होता है जिस वक्त वो वक्री होते हैं। अब ये हो गया कि जब ये वक्री होते हैं तो मतलब जैसे किसी शख्स है जो पैदा हुआ है उसके कुंडली के अंदर वक्री है तो उसको देखें कैसे, ये भी एक बात हो गई। अब इधर ये होता जैसे उसके अंदर क्या है कि जो है कि 19 अंश पे वो वक्री हो जाता है। अब 19 अंश पे जो वक्री होने का मतलब ये है कि अगर वो 19 अंश वक्री होता है तो जो डिबिलिटेटेड मतलब कि जो नीच का होता है ग्रह
शनि वो मेष राशि के अंदर 20 डिग्री पे होता है, यानी 20 डिग्री के ऊपर नीचे का होता है, तो वो नीचे राशि अपने जो अंश है उस तक पहुंचा नहीं, उससे पहले वक्री हो गया, तो यानी कि ये उस जातक को अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि उसने नीच राशि तक पहुंचा नहीं, उससे पहले वक्री, तो नीच हुआ ही नहीं वो, समझ रहे हो बात को, वो नीच जब हुआ ही नहीं, उससे पहले वो वापस आ गया, तो यानी नीच होने से पहले वो वापस आ गया है शनि वहां से, तो उसको नीच तो प्राप्त नहीं हुआ, और वो पृथ्वी के पास है, तो अपना जो कि असर बहुत ज्यादा डालने वाला है, तो एक कंडीशन तो ये होगी कि उसमें जो जातक को बढ़िया फल देगा। अब इसी कंडीशन में मान लीजिए कि ये जो ग्रह है ये 22, 23, 25 अंश पे है, अब 20 अंश पे ये नीच का हो जाता है, अब ये 25 अंश जब जो है कि रेट्रो होता है या वक्री होता है, तो ये भी करीब आ रहा है अपने नीच रहा जो बिंदु होता है इसका 20 डिग्री उसके जो करीब आ रहा है, तो वो जो है कि वहां पर जो 20 डिग्री पे जब ये वापसी आएगा, तो यानी कि ये और नीच होने वाला है, और ज्यादा तकलीफ में आने वाला है, ये ग्रह और कमजोर होने वाला है, तो इस तरीके से हम ये समझेंगे कि जो नीच का ग्रह, वो बात सही है कि आपको पावर बढ़ने वाली है उसकी, लेकिन जो पावर किस चीजें बढ़ेगी, अगर नीचे अपने अंश की तरफ जा रहा है और उसके अंदर शक्ति ज्यादा है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक आदमी जो है कि गलत काम करने का आदी है, कोई भी हो सकता हमारे समाज के अंदर, और उसको जो है कि एक ऐसी कंफर्ट जगह है जहां पर जाकर उसको कोई रोकता टोकता नहीं है, वहां कोई ऐसा आदमी जाता नहीं, बहुत गलत जगह है, और जो है कि वहां पर उसे कोई टोकता वोकता नहीं है, जैसे कि मान लीजिए शनि का जैसे एक नंबर घर है मेष, अब वहां पर वो नीच का हो जाता है, बहुत उर्धम मचाता है उसको, मतलब कि परेशानियां क्रिएट करता है उस राशि के अंदर वो, तो अगर वो वहां पर नीच वाली अवस्था में पावरफुल होकर आएगा, यानी कि एक तो वो खुद अकेला था, मतलब कि उसका कुछ था नहीं, एक वो अपने अंदर शक्ति बहुत ज्यादा हो गई है, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा आ गई है, उसके बाद वो अगर गलत हरकत करेगा तो ज्यादा करेगा, हम इसको इस तरीके से भी लेके सकते हैं कि जो कि नीच के पास आते हुए अगर वो पावरफुल ग्रह है तो नुकसान पहुंचाने वाला है, इसी प्रकार जो है कि अगर वो नीच के तक राशि तक पहुंचने से पहले वापस हो जाता है तो वो बढ़िया है, नीच राशि के अंदर भी नीच का ग्रह भी वक्री होकर वो बढ़िया फल देने वाला है, वो जो नीचे अंश तक ना पहुंचे, इसी प्रकार से उचके में आ जाते हैं, यहां पर हम शनि यहां ले लेते हैं, यहां 20 अंश पे वो उसका होता है, अब मान लीजिए ये 19 अंश पे है और वक्री हो जाता है तुला राशि के अंदर, 19 पे वक्री होने का मतलब ये है कि वो उच्च बिंदु जो उसकी थी जहां पर वो जाकर वो उच्च का होने वाला था ग्रह 20 अंश के अंदर, उससे पहले वक्री हो जाता है, उससे पहले वक्री का मतलब ये हुआ बलवान तो है जो उसको, मतलब वक्रता तो के हिसाब से जो बलवान बनेगा वो तो बनेगा, लेकिन जो उसको उच्च का फल देना चाहिए था उससे पहले वो वक्री बनेगा, तो उसको हम ऐसे ले सकते हैं कि कुछ लोग आपने देखे होंगे कि जो बोलते हैं कि भाई कि मेरा जो काम ना होते होते रह जाता है, मैं बहुत ही पढ़ाई में लड़का हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन एंड मौके पे जो है कि कोई IPS का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता या कोई बात हो जाती है, वहां अड़चने आती हैं, तो वो होता यही है कि उच्च का ग्रह लास्ट बिंदु से पहले वक्री हो रहा है, तो चलते चलते जो है कि वहां जाकर वो काम बिगड़ जाता है, मतलब बिगड़ना क्या कि वो वहां से वापसी हो जाता है, वो उस तक पहुंच नहीं पाता, उस लास्ट बिंदु तक नहीं पहुंच पाता, वहां से पहले वो वक्री हो जाता है, तो इसलिए उसका फल जो है जो अच्छा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता, और इसी तरीके से मान लीजिए कि यहां पर जो है कि 25 का होता शनि 25 अंश के ऊपर होता, यानी कि जो अपने जो अंश थे इसके जो उच्च अंश जो 20 अंश हैं उसको पार कर लिए थे इसने, उसके बाद अगर ये वक्री हो जाता है तो ये 20 अंश की तरफ फिर चल दिया, यानी कि पावरफुल भी है और अपने उच्चतम की तरफ जहां इसने उच्च होना है वहां पर फिर चल दिया, यानी कि बहुत बलवान हो गया है, ताकत भी है, समझ भी है, और वहां पर आकर इसने कार्य भी बढ़िया करना है, इसे उच्च पद भी मिल रहा है, तो वहां जाकर ये बहुत ही बेटर होने वाला है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो नीच का ग्रह अगर नीच तक को पार करके वक्री होता है तो खराब है, उच्च को पार करके वक्री होता है तो अच्छा है, उच्च पे पहुंचने से पहले वक्री होता है तो वो खराब है, इस तरीके से लेंगे, और इसके अंदर एक और दूसरी कंडीशन भी बनती है, मान लीजिए कि कोई ग्रह आपका जो है कि केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर वक्री होता है तो बढ़िया है, मान लीजिए कि ये शनि यहां का जो मालिक है 10वें घर का मालिक है, 11वें घर का मालिक है, और वक्री हो रखा है, बलवान हो रखा है, उच्च राशि से आगे जाके वापस आ रहा है उच्च की राशि में, तो ये बहुत फायदा देने वाला है, तो इसी प्रकार से मान लीजिए कि 6, 8,
मतलब 3, 6, 8, 12 ग्रह जो हैं, जो इनके जो मालिक ग्रह हैं, अगर वो वक्री हो जाते हैं, जैसे कि अभी आपने पीछे अभी सुनने में आ रहा है कि जुपिटर, सुनने में क्या रहा होना ही है, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, मार्स, चार चार ग्रह जो वक्री होने वाले हैं, तो उसके अंदर जो है कि आप देखोगे कि जो है कि जुपिटर मान लीजिए यहां पर 12th हाउस का मालिक हो, जब ये वक्री होता है, 9th का भी है और 12th का भी है, बैठा थर्ड में है, यानी कि छोटी यात्राओं में बैठा है, बड़ी यात्राओं का होकर और फॉरेन कंट्री का। अगर इनमें क्या होगा कि जो भी अगर ये वक्री हो रहे होंगे उच्च के पॉइंट पे हो, मान लीजिए 4 नंबर में ये उच्च के होते हैं जुपिटर, 4 नंबर में उच्च के होते हैं, अब यहां पर जो है कि ये उच्च के हो रहे हैं, अगर जो इनका उच्च पॉइंट होगा मेनली वहां तक पहुंचने से पहले अगर ये वक्री हो जाते हैं तो बनते बनते जैसे बाहर जाने का प्रोग्राम बन रहा हो, फॉरेन कंट्री जाने वाला हो, तो जाते जाते उसमें कोई अड़चन आई और वो वहां नहीं जा पाएंगे, इस तरीके से वो नुकसान, बल्कि जो टिकटें बुक कराई होंगी, वहां पर जो खर्चा किया होगा, वहां जाने की तैयारी की होगी, उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तो लॉसेस का घर है वो। तो इसी तरीके से आपको देखना कि 6, 8, 12 के ग्रह अगर वक्री होके बलवान हो रहे हैं, यानी कि आपको जो कि गलत कार्य करने वाले जो इंसान हैं आपके परिवार के अंदर, मान लीजिए आपका परिवार है 12 सदस्यों का, इसमें से 3 सदस्य ऐसे हैं जो कि आपके परिवार के अंदर जो है कि हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और अगर वो उनके अंदर बलवान बलवान है, वो उनके अंदर शक्ति आ जाती है, तो ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इसी प्रकार से जो आपके फायदे वाले घर हैं, जो आपके जो मान लीजिए कि जो बाकी इंसान बचे वो आपका फायदा कराना चाहते हैं किसी ना किसी रूप में, तो वो अगर वक्री होकर बलवान होते हैं तो वो आपका फायदा कराएंगे। इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जो गलत ग्रह है, मतलब आपकी कुंडली के हिसाब से जो गलत घर का मालिक बनता है, अगर वो वक्री है तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, और जो आपके जो है कि केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं वो अगर हैं तो वो आपको फायदा पहुंचाएगा। इसी प्रकार जो दैनिक हम जो आप देखते हैं राशिफल, यूट्यूब पे भी आते हैं, टेलीविजन पर भी आते हैं, उसके अंदर भी सारी कहानी यही होती है। वो चंद्र राशि को लेते हैं, मान लो कि ये चंद्र राशि है मून, उसको यहां रखा मून को, 11 नंबर यहां रख दिया कि भाई कुंभ राशि हो गई, अब उसके बाद जो ग्रह है कुंभ राशि अगर यहां आएगी 11 नंबर, तो 2 नंबर यहां पर, 12 ये यहां पर, मतलब मान लीजिए कि 11 नंबर यहां आ गई, ये हो गए मून, ठीक है, ये 10 नंबर यहां आ गया, अब ये इस तरीके से कुंडली बन जाएगी, ठीक। अब इसके अंदर जो है कि अब वो जो मकर राशि के लिए जो राशिफल बताएंगे जो भी पंडित जी हैं, वो सिर्फ ये देखेंगे मून यहां पर है, आगे आपका कुंडली बना दी आपकी जो कि मकर राशि के कुंभ राशि की, अब सीधा बोलना शुरू कर देंगे कुंभ राशि के जातक जितने भी हैं पृथ्वी के ऊपर, यानी कि अब 107 का मतलब कि 137 करोड़ तो हमारे जो है कि प्रधानमंत्री बताते हैं, 137 से 40 करोड़, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि जनसंख्या में होंगे, गिनती में ही होंगे, अभी 150 करोड़ के आसपास, या 1 करोड़ 20 लाख ही मान लीजिए, तो उसके अंदर जो है कि 12वां हिस्सा, 20 करोड़, 12वां हिस्सा जो है वो जो है कि एक राशि का जो पंडित जी जो बताते हैं फल, वो सब उसका बता देते हैं कि आपकी राशि पर ये होने वाला है। जबकि मेरी सलाह ये है कि जब भी कोई राशि परिवर्तन होता है, आपने जैसे आपकी कुंडली बनी हुई थी, जैसे कि 11 नंबर यहां था, इसको यही रहने दो मून को, वो 7.5 ही ठीक है, जो कि कुछ लोग बोलेंगे कि भी 7.5 ही जो है कि हमारी जो है कि आप चंद्रमा जब इस राशि पे आता है 7.5 ही होती है, वो ठीक है आपके पास 7.5 को वहां से देख लीजिए कुंभ राशि से और उससे, लेकिन जब कोई गोचर देखते हो ना, वो आपको इसी से मालूम चल जाएगा, क्योंकि जो चंद्रमा से जो आपके जो प्रभाव पड़ना है वो आपके मन पे पड़ना है, लेकिन शारीरिक जो कष्ट होना है, जो मेहनत आपको शरीर से करनी है, जो शरीर से परेशानियां आनी है, एक्सीडेंट होने हैं, लॉसिस होनी है, वो आपका शरीर में झेलना है, और शरीर आपका लगन ये है, तो इसके अंदर जब भी आपने देखना है, तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है इन 3 राशियों का, जो जब भी आप गोचर के अंदर ही वक्री होता है, तो कौन से घर में जा रहे हैं, क्योंकि तो जहां ये चल रहे होंगे, जैसे इस टाइम पे ये 10 नंबर में चल रहे हैं जो हमारे जुपिटर, और जो शनि भी यही है वक्री, तो
तो शनि यहाँ पर फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शनि जो कि एक नंबर जिसका यहाँ पर लगन होगा, जिसका एक नंबर यहाँ होगा, उसका शनि 10 नंबर का मालिक हुआ, 11 का मालिक हुआ, वो यहाँ पर वक्री है, यानी कि यहाँ पर अच्छे फल देने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको नुकसान कौन पहुंचा रहा, जुपिटर या साथ चल रहा है बारवा लॉसेस। तो इस तरीके से जिस घर के अंदर वो वक्री हो रहे हैं और जहां जो स्वामी है उसके हिसाब से आप ले सकते हो, 8वें का स्वामी है मंगल, वो इस टाइम पे जहां पर भी चल रहा है उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि मंगल वही यहाँ पर ये नुकसान करेगा। तो इस तरीके से आपका जो कुंडली के अंदर विश्लेषण अलग तरीके से, गोचर से जो है कि इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे तो कोई जो है कि जो भी प्रभाव पड़ना है वो 12वें हिस्से को पूरे संसार के अंदर पढ़ना है, क्योंकि 12 हिस्से होने हैं सारी जनसंख्या के, जो कि जितनी भी जनसंख्या है हमारे जो है कि ब्रह्मांड की, उन पर सब पे वो असर पड़ना है। तो ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि आप आपका नाम कोई पढ़ता है, मान लीजिए आपका नाम रमेश है और कोई आपके साथ में आता है रमेश, दोनों पे एक जैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर ऐसा होता, गोचर का प्रभाव एक जैसा पड़ता, तो राम और रावण की राशि तो एक थी, राम और रावण की राशि एक थी, कृष्ण और कंस की राशि एक थी। तो अगर ऐसे नाम राशि से या इनसे अगर प्रभाव पड़ता तो फिर चिष्टावन का युद्ध चल रहा था तो दोनों के साथ बुरा होना चाहिए था, वो एक के साथ बुरा और एक के साथ अच्छा क्यों हो रहा था। तो वो स्पेसिफिकली अपनी राशि जहां आपके ग्रह बैठे हुए हैं उसके हिसाब से क्या हो रहा है गोचर के अंदर, वो उसी से प्रभाव पड़ता है। कोई भी ऐसी चीज देख के कि वहां इस राशि वालों को ये खराब होने वाला है, इस राशि वाले को बहुत अच्छा होने वाला है, तो उससे कभी भी जो है कि आप प्रभावित ना हो। वो आपकी जन्म पत्री अलग जन्म पत्री है, आप अपने जन्म पत्री आपका जो भविष्य उसमें लिखा हुआ है, बाहर कौन पंडित क्या बोल रहा है उस पर जो है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आता है जो कि मैंने आज आपको ये बताया, जो वक्री ग्रह कोई भी नहीं होता, वो दिखने में वक्री होता है, पृथ्वी पे ज्यादा प्रभाव डालता है, इसलिए शक्तिशाली भी होता है। और शक्तिशाली अगर बढ़िया ग्रह शक्तिशाली हो रहा है तो बढ़िया है, अगर बुरी जगह का ग्रह शक्तिशाली हो रहा है तो वो बुरा है आपकी कुंडली के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये मैंने आज बताया है ये आपके फलित में जो लोग फलित कर रहे हैं उनको भी फायदा होगा, और जो नहीं कर रहे हैं उनको अपनी कुंडली के अंदर भी देख के मालूम चलेगा कि मेरा कौन से घर का मालिक वक्री हो रखा। अगर किसी कुंडली में कोई वक्री ग्रह है तो कौन से घर का मालिक है जो वक्री है, अगर वो अच्छे घरों का मालिक वक्री है तो वो उनको अच्छा फल देने वाला है, बुरे घरों का मालिक वक्री है तो वो उनको और ज्यादा बुरे फल देने वाला है, ये देख कर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जो मैंने वीडियो बनाई आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आगे जाता हूँ, धन्यवाद।